ओ रियल मून रॉक। ओ ये रियल मून रॉक है इसमें। न्यूक्लियर बॉम्ब, B-53 न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री शकांक्षा व्लॉग्स। तो आज छुट्टी का दिन है, मतलब हमने छुट्टी ली थी क्योंकि हमारी छुट्टियां बची हुई हैं और हमने सोचा कि आज जाते हैं, यहाँ पे एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम है तो उधर जाते हैं, देखते हैं। बहुत से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं, फाइटर प्लेन्स वगैरह वगैरह, ऐसा हमने पढ़ा तो है, देखते हैं कैसा है। तो चलो बस उधर जाने की तैयारी चल रही है सबके। निकल गए हम लोग वापस डुगडुगी में अपने, और ड्राइवर इधर आकांक्षा। ऑलमोस्ट अभी आधे घंटे लगेगा जाने में। आ गए हम लोग म्यूजियम, ये म्यूजियम है, पहुंच गए हम लोग, देखते हैं एंट्रेंस उधर से। हैंगर, विंग्स ओवर द रॉकीज एयर एंड स्पेस म्यूजियम। अंदर चलते हैं, देखते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। एयरप्लेन देखने आ गए, वही खरीद भी सकते हैं एरोप्लेन मॉडल्स। और ये नुक्की वाले हैं अपना बच्चा, $110। चलो हो गया, टिकट ले लिया, यहाँ से एंट्रेंस है, वेलकम डेस्क। तो सिमुलेटर भी है, ओ कितना बढ़िया है ना। तो गाइस ये वाला जो प्लेन है ये ग्राउंड फोर्सेस और नेवल शिप्स को शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। अभी मैं घर पे अभियुक्त को शिप कैसे बोलती है वो बोल बताती हूँ ना। ये कैसा दिख रहा है इधर से बैठने का, देख कैसा है, बाप रे। चलो, और ये हमने लोन पे लिया है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेवल एविएशन से। मतलब ये म्यूजियम ने उधर से लिया है। हाँ। लाइन से सब, वाओ, प्लेन ही प्लेन है। ओ ये सीट, ये देख, ये हेलीकॉप्टर कैसा है, जायरोकॉप्टर है। इसमें बस ऐसे ही बैठ के उड़ जाते हैं। उड़ जाओ, वो बस बैठ के उड़ जाओ, ये यहाँ सीट पर नहीं ना। ओ अच्छा, हाँ, दिस इज अ सुपरसोनिक सी प्लेन इंजन, वर्ल्ड्स ओनली सुपरसोनिक सी प्लेन यूज टू इंजन्स लाइक दिस। 14 टॉमकैट फाइटर प्लेन, बहुत बड़ा है भाई ये गियर है, F-14 का। इसमें भी दो लोग बैठते हैं। हाँ, FP-111A, बहुत बड़ी है ये वाली भी, ये मिसाइल्स। बाप रे कितना फैंसी लग रहा है ना, ये बहुत पुराने हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के हैं। B-61 थर्मो लेजर गाइडेड बॉम्ब, B-60, ये न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है। ओ ये न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है। हाँ। ये देख, B-1A, ये देख कितना छोटा सा, यहाँ कैसे बैठते होंगे बे, सोनिक, वो देख सोनिक एरो, सोनिक एरो, ये शायद कार है, इतने छोटे नहीं है, ये फास्टेस्ट कार है वर्ल्ड की। ओ हाँ ये कार है, ये फास्टेस्ट कार है वर्ल्ड की, फास्टेस्ट कार है ये वर्ल्ड की। मिसाइल्स, कैसे से सीटें होती थी US एयर फोर्स, ये वाली कौन सी है, शूटिंग स्टार, बहुत बड़ी सी बॉम्बर प्लेन है, बाप रे। और ये बॉम्ब्स नीचे इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं। और
तो बॉम्ब्स यहाँ पे ऐसे ये लोड रहते हैं, यहाँ से छूटते हैं। हाँ पता है। ओ ऐसे लोडेड रहते हैं इस वाले एरिया में और यहाँ से ड्रॉप होते हैं। इसमें तीन जगह लोड हो सकता है ये सब। न्यूक्लियर बॉम्ब, B-53 न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। हाँ बड़े बड़े टायर हैं, ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब है। F-86, ओ भाई इसके बीच में तो पूरा होल है। स्कॉर्पियन हेलीकॉप्टर, एयरबस, ओ ऐसा होता है हेलीकॉप्टर, एयरबस। अच्छा मेडिकल वाला है तो ये एयरबस है, तो मेडिकली स्ट्रेचर वगैरह इधर बाकी सामान है। ड्रीम चेजर ये सियरा स्पेस ने बनाया है, कार्गो डिलीवरी वगैरह करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। सर्विसिंग सैटेलाइट्स वगैरह काम है। लिटिल बे एटॉमिक बम, ओ एटम बम, ये एटम बम है। ऐसी प्लेन है, ओ कैसी दिख रही है ये। बहुत ही बड़ा है ये तो, US एयर फोर्स के प्लेन से उधर। ये हेलीकॉप्टर बहुत मस्त है, वियतनाम वार में यूज हुआ था ये। ओ वियतनाम वॉर में इसका बहुत यूज़ हुआ था इस हेलीकॉप्टर का। छोटे छोटे मिसाइल्स, ग्रेनेड्स वगैरह, बाप रे क्या है। और ये मशीन गन, ओ भाई अब यहाँ पे आ गए हम लोग। छोटा सा प्लेन नहीं है, और इधर कुछ कुछ शायद गेम्स वगैरह भी हैं, पेपर रॉकेट्स। ओ प्लेन उड़ाने वाली फील ऐसी आती है। अंदर से चिल्ला रहा है कोई, सिमुलेटर है ये, इसके अंदर लोग बैठे चीख रहे हैं जब ये घूम रहे थे। फ्लाइट सिमुलेटर, ये भी सब भी फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं। वेलकम टू कॉकपिट एली, बोइंग ऐसी दिखती है। यूनाइटेड एयरलाइंस, वेलकम नेविगेशनल फ्लाइट ऑफ द ग्लोब इन 1937 इन द लॉकहीड मॉडल 10 इलेक्ट्रा। पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाया था 1937 अभी 1937 में। ये रूट से पूरे धरती का एक चक्कर लगा दिया था। अमेलिया रोज 1937। ये पुराने कैमरास, 35mm एक्सपोजर मीटर, रेंज फाइंडर, कैमरा, इंडिया पॉकेट गाइड टू इंडिया, बर्मा, चाइनीज, द फॉरगॉटन वॉर, चाइना बर्मा इंडिया थी, साइंस इन स्पेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। देखिए ये क्या है यहाँ पे, तो अच्छा सा मॉडल बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा कुछ बनाया है यहाँ पे। कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स सेक्शन लगता है मिसाइल का सेक्शन है, रॉकेट्स का, टाइटन,
टेस्ट इन प्रोग्रेस टाइटन टू। ओ बाप रे इतना बड़ा होता है। ओ, ये तो वो आ गए अपना हबल स्पेस ऑर्बिटर। ये क्या यहाँ पे? ओ रियल मून रॉक। ओ ये रियल मून रॉक है, इसमें लूनर सैंपल अपोलो 15 से आया था 1971 में। ये वो न्यूज़, उस दिन की न्यूज़ है जब फर्स्ट टाइम मून पे वॉक हुआ था। यंग्स वॉक ऑन मून, आर्मस्ट्रॉन्ग्स फर्स्ट वर्ड ऑन मून बिजनेस लाइक। ये फोटो। तो गाइस म्यूजियम देख के अब हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ऐसा बहुत इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारे अलग अलग एयरफोर्स के प्लेन्स देखे और नासा का जो लूनार मिशन था उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम अभियुक्त को भी लेके आएंगे। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चों का भी सेक्शन है पर अभी उसके लिए वो थोड़ा छोटा है, तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर थोड़ा और उसको जब समझ आएगी तो उसको लेके आएंगे। बट अभी फ़िलहाल तो बस घर की तरफ जा रहे हैं। हमारी छुट्टी भी आज ख़त्म हो गई है, कल से वापस ऑफिस। तो यार चलो घर चलते हैं, देखते हैं अभी क्या। एयरप्लेन ला, मैं उड़ा के दिखाऊं। ला उड़ा के दिखाऊं, ला भाई ला उड़ा के दिखाऊं। एयरप्लेन प्लेन एयरप्लेन प्लेन उड़ा रहे बाबू। ये जो जो लेके आओ बेचारा लेके जा रहा है। क्या नहीं होगा ये उड़ गया प्लेन। अरे वो दूर रखने जा रही है, देखो कोई दूर फेंक के आया। अब ले क्या मेरी बात है, उसको लगा इनसे गया नहीं तो मैं ही दूर फेंक के आता हूँ। कोई दूर फेंक के आया। ये सुलाने की कोशिश की जा रही है बाबू को। Sonia.